हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक डिलीशियस चिकन की रेसिपी। तो हमें चाहिए 1/2 किलो बोनलेस चिकन। इसे अच्छे से वॉश करके इस तरह से हमें छोटे छोटे पीसेस करके लेना है और इस चिकन पीसेस को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखिए, इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए, और इसमें क्या क्या मसाला जाएंगे वो भी देखेंगे। आगे तक बने रहेगा। हमें इस पर चाहिए 1 चम्मच हल्दी पाउडर और कश्मीरी चिल्ली पाउडर हमें चाहिए यहाँ पर 2 चम्मच। तो आप चाहे तो टिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमें ऐड करना है कोरिएंडर पाउडर 1 चम्मच और ब्लैक पेपर की पाउडर 2 चम्मच, और हमें ऐड करना है इस पर कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऐड किया है, और स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड करना है, और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। तो अभी हम इस पर ऐड कर लेंगे एग। तो मैंने यहाँ पर 2 एग ऐड किया है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा चिकन पीसेस सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अभी एक पैन रख देंगे, ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल गर्म होते ही इस सारे चिकन पीसेस को हमें फ्राई करके ले लेंगे। तो देखिए, सारे चिकन पीसेस को हमें थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करके ले लेंगे। अच्छे से क्रिस्पी से हमें फ्राई करके लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर रखना है। इस तरह से हमें गोल्डन ब्राउन करके लेना है। सारे चिकन पीसेस को इसी तरह हमें फ्राई करके ले लेंगे। अभी दूसरे एक पैन को रख देंगे, इस पर हमें ऐड करना है ऑयल। ऑयल गर्म होते ही इस पर मैंने ऐड किया है गार्लिक यानी कि लहसुन। तो 1 बड़े चम्मच गार्लिक ऐड करना है। साथ ही साथ हम इस पर ऐड कर लेंगे हरी मिर्च, ग्रीन चिल्ली। तो आप चाहे तो, आपको तिक्का पसंद है तो और भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इस पर और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, वो है प्याज। तो प्याज मैंने 1 बड़े प्याज को मैंने इस तरह सा क्यूब्स में कट किया है। इसे भी डालकर अच्छे से हमें मिक्स कर देंगे, ताकि प्याज हमें एकदम सॉफ्ट नहीं करना है, हल्का सा ही सॉफ्ट करना है। अभी हम इस पर ऐड कर लेंगे कैप्सिकम। तो मेरे पास जो रेड कलर और येलो कलर का बेल पेपर्स था, तो मैंने ये दोनों को डाला है और अच्छे से मिला देंगे। इसे थोड़ा कलरफुल लगता है ना, इसके लिए मैंने ऐड किया है रेड और येलोइश कलर का कैप्सिकम, और अच्छे से मिला देंगे। और देखिए, ये जो बर्तन जो है ना वॉक, ये बहुत ही अच्छा है चाइनीज़ डिशेस बनाने के लिए। बहुत ही अच्छा एक पैन है। आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा था। बहुत ही अच्छा है चाइनीज़ आइटम्स बनाने के लिए, वॉक है इसका नाम। बहुत ही अच्छा एक पैन है। अभी हम इस पर ऐड कर लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। आपको तिक्का ना पसंद है तो ना ऐड कीजिएगा, 1/2 चम्मच ही ऐड कीजिएगा। तो अभी हम इस पर ऐड कर लेंगे 1 बड़े चम्मच सोया सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस 1 बड़े चम्मच, और रेड चिल्ली सॉस होगा तो वो भी आप ऐड कीजिएगा। अभी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टमाटो केचप, ये भी मैं ऐड करने वाली हूँ। 3 से 4 चम्मच हमें ऐड करना है, और अच्छे से मिला देंगे। बहुत ही डिलीशियस लग रहा है ना, अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अभी हम जो फ्राई किया हुआ चिकन पीसेस को इस पर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिला देंगे। एक वेराइटी डिश है फ्रेंड्स। अभी हम ये चिकन को अच्छे से इस पर मिक्स करने के बाद हम एक और अलग डिश भी बनाएंगे इसके साथ। तो बहुत ही एक यम्मी वाला रेसिपी है। अब इसे जब भी आपको मन लगे इस तरह का चाइनीज़ आइटम खाने के लिए, तो
तो आप ज़रूर इसे ट्राई करना, अपने बच्चे को भी खिलाइएगा। बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप घर पर इस तरह से बना सकते हैं। अगर और भी टेस्टी बनाना है तो आप अजीनोमोटो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने एक पैन और रख दिया है, अभी हम इस पर ऐड कर लेंगे लहसुन और प्याज, करी लीव्स और ब्लैक पेपर पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, और ग्रीन चिली सॉस एक बड़े चम्मच, और सोया सॉस एक बड़े चम्मच, और टमाटो केचप हमें ऐड करना है 2 चम्मच, और अच्छे से मिला देंगे। अच्छा सा ग्रेवी यहाँ पर रेडी हुआ ना। तो ये जो चिकन फ्राई को मैंने थोड़ा सा साइड पर रखा था, इस चिकन फ्राई मैंने छोटे छोटे पीस में कट करके ले लिया है, और अभी हमें इस पर ऐड कर लेंगे बासमती राइस जो मैंने पहले से कुक करके रखा था, उसे डालकर अच्छे से मिला देंगे। तो ये चाइनीज़ राइस भी यहाँ पर रेडी है, तो चिली चिकन भी रेडी है, राइस भी यहाँ पर रेडी है। जब भी आप बनाते हो चिली चिकन, उसमें से थोड़ा सा चिकन आप फ्राई किया हुआ निकाल कर रखिए, और इस तरह से अगर राइस भी साथ ही साथ बनाइए तो बच्चे को एक और बड़े को एक जैसा पसंद आने वाले हैं। तो थोड़ा सा अजीनोमोटो आप टेस्ट मेकर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपको और भी टेस्ट बढ़ाना है तो एक अच्छे से एक स्प्राइट के साथ या फिर एक अच्छे जूस के साथ आप इसे इस फ्राइड राइस को आप ले सकते हैं। चाइनीज़ फ्राइड राइस और चिली चिकन को साथ में ले सकते हैं, बहुत ही एक डिलीशियस है, अच्छा एक फ्लेवर आ रहे हैं, बहुत ही खुशबू आ रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करना, और मैंने पहले अपलोड किया सारे वीडियोस कैसा था वो भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारे रेसिपीज़ अच्छा लगा होगा। तो मैं जो रेसिपीज़ दिखाती हूँ सबको बनाने के लिए आसान है तरीका मैं आपको बताती हूँ, तो ज़रूर आप सब इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे नए नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।